गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में बकल कैविटी और इसोफेगस को स्टडी किया। अब हमने आगे नेक्स्ट पार्ट है स्टमक। स्टमक जो कि जे शेप्ड ऑर्गन है, स्टमक में फूड जब एंटर करता है तो इसके अंदर पहले फोल्ड्स होते हैं जो जिससे स्टमक का वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है जैसे ही फूड आता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, जैसे अब ये एम्प्टी स्टमक है, जैसे ही आप फूड इसमें पास करेंगे इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा क्योंकि इसके अंदर फोल्ड्स होते हैं, उनको बोलते हैं गैस्ट्रिक र्यूगाई, दे आर कॉल्ड एज गैस्ट्रिक र्यूगाई। दे आर एक्चुअली फोल्ड्स, म्यूकस फोल्ड्स इन साइड। नाउ वेन फूड एंटर्स इन टू दिस स्टमक वॉट हैपन्स, लेट दिस इज फूड, इन द वॉल ऑफ स्टमक देर इज अ ग्लैंड कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहां पे एक ग्लैंड होती है बेटा जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड है जो स्टमक की वॉल में है। स्टमक का साइज कितना है, 15 by 30 centimeter। इसका साइज रहता है बेटा 15 centimeter 30 centimeter। 15 centimeter वाइड है, 30 centimeter लॉन्ग है। स्टमक जो कि एक वाइडेस्ट पार्ट है, मैंने बार बार बताया आपको, स्टमक वाइडेस्ट पार्ट ऑफ आर एलिमेंट्री कैनल। स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये क्या करती हैं, जैसे फूड जाता है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक लिक्विड निकालती है बेटा जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जब स्टमक में इकट्ठा होता है तो गैस्ट्रिक जूस में 3 types के केमिकल्स, देखो बेटा जैसे HCl, गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन अगर आप देखते हैं तो इसके कंपोनेंट्स को हम 3 segments में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है इसमें HCl, दूसरा बेटा इसमें होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, जो एक्चुअली फूड को केमिकली ब्रेक डाउन करेंगे। तीसरा इसमें होता है बेटा म्यूकस। अब जो ये HCl मिलता है स्टमक में, इसका क्या काम है, HCl तो एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका नाम बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये स्ट्रोंग एसिड है, बहुत स्ट्रोंग एसिड है बेटा। तो इतना स्ट्रोंग एसिड हमारे स्टमक में अगर है तो फिर स्टमक बर्न क्यों नहीं करता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टमक, स्टमक एक वाइडेस्ट ऑर्गन है जिसका साइज 15 by 30 centimeter है। इसके अंदर म्यूकोसा फोल्ड्स होते हैं जिनको कहते हैं गैस्ट्रिक रुगाई। इसकी वॉल में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो सिक्रीशन निकालती हैं उसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस के 3 segments हैं, एक तो आता है इसमें HCl, एक आते हैं बेटा इसमें एंजाइम्स, एक होता है म्यूकस। HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये इस वॉल को बर्न क्यों नहीं कर पाता। अगर ये बाहर स्किन पे गिरे ना बच्चों तो स्किन बर्न कर जाएगी, बट स्टमक बर्न नहीं कर रहा। तो इसका आंसर है क्यों नहीं बर्न कर रहा, तो इस स्टमक की वॉल में यहां एक प्रोटेक्टिव कोट होता है बताइए, ये कोटिंग होती है इसके साथ जो इसको प्रोटेक्ट करती है HCl से। ये किसकी कोटिंग है, म्यूकस की कोटिंग है। म्यूकस एक लिक्विड है जो स्टमक की वॉल को कवर करता है, तो इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट्स स्टमक फ्रॉम HCl, तो इससे बचाए रखता रहेगा। अब फिर क्वेश्चन ये है कि HCl होता ही क्यों है, HCl के काम क्या है। एक तो ये किल करता है, किल्स बैक्टीरिया जर्म्स, जो हमारे फूड के साथ कोई बैक्टीरिया अंदर गए हैं, जैसे हम फूड खाते हैं तो उसमें माइक्रोब्स भी हैं एंटर करते हैं बेटा, तो HCl किल करता है उनको। सेकंड बेटा इसका काम होता है सॉफ्टन्स द फूड,
खाने को सॉफ्ट कर देता है। हाँ जी, ये एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स एक्चुअली केमिकल ब्रेकडाउन करवाने वाले मॉलिक्यूल होते हैं। जो फूड हमने खाया है ना, उसको केमिकली ब्रेकडाउन करवाते हैं एंजाइम्स। यहां कौन से एंजाइम्स हैं? यहां वो एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट प्रोटीन्स। जो प्रोटीन आपने खाया है वो प्रोटीन स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के जो एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्ट करेंगे। म्यूकस का रोल हमने देख लिया, प्रोटेक्शन ऑफ द वॉल। अब इसके बाद है बेटा नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि स्टमक के बाद शुरू होती है, यहां से बेटा देखो यहां इसके बाद से ये शुरू होगी, जैसे ये ग्लैंड है बेटा पैनक्रियास। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो मैं डॉटेड कर रहा हूं ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन आगे ऐसे यूं होती है बेटा, लॉन्ग ट्यूब है। इसका डायमीटर बहुत कम होता है, 3 सेंटीमीटर होता है। ये है इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पहले पार्ट को कहते हैं डुओडेनम, सेकेंड सेगमेंट को कहते हैं बेटा जेजुनम, थर्ड सेगमेंट को कहते हैं बेटा इलियम। ये तो इस सेगमेंट में स्मॉल इंटेस्टाइन में यहां पे एक तो ये ग्लैंड आके जुड़ती है बेटा, क्या नाम है इसका, पैनक्रियास। ठीक है, एक ग्लैंड आपको पता है बॉडी की यहां होती है सबसे बड़ी ग्लैंड, उसका नाम लीवर। ये यहां पे होती है, ये होता है लीवर बेटा। लीवर के नीचे यहां पे एक पाउच रहता है, ये जो मैंने रेड कलर में बनाया, दिस पाउच इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। और ये क्या है बेटा, लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड है। अब जो फूड यहां आएगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जैसे फूड यहां स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है इस जगह पे डुओडेनम में, तो यहां पे उसको दो चीजें मिलती है, एक तो लीवर वाला जूस, एक पैनक्रियाज वाला जूस। तो दो सेगमेंट मिल गए ना बेटा। हाँ जी, तो यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में यहां पे एक तो लीवर से जो जूस आता है उसका क्या नाम रखा हमने, बाइल जूस। इसके बारे में क्या खासियत है, बाइल जूस एक ऐसा जूस है बेटा, एक ऐसा लिक्विड है। जूस का मतलब क्या होता है, जूस का मतलब वो नहीं जो फ्रूट जूस हम ले रहे हैं, यहां जूस का मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड जिसमें इसके अंदर केमिकल्स है बेटा। जूस मींस वो नहीं है फ्रूट जूस, आप उसके साथ नहीं मिला के देखना इसको। उसके और इसमें कंपेरिजन यही है कि दोनों कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड होते हैं। तो बाइल जूस जो होता है इसमें कोई एंजाइम नहीं होता बेटा, नो एंजाइम। तो फिर ये क्या करता है, ये फूड में जो आपने घी खाया, तेल, ऑयली सब्सटेंसेस जो खाते हैं हम, उनकी डाइजेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो फैट्स वाली चीजें, जो तेल वाली चीजें हैं, उनके डाइजेशन में ये हेल्प करता है। और जो इसका जूस आता है जिसको हम बाइल जूस कहते हैं, वो इसमें स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में, और फिर जैसे ही फूड आता है वो ऐसे रिलीज हो जाएगा। अब ये जो लीफ लाइक ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है बेटा, पैनक्रियास। पैनक्रियास जो ग्लैंड होती है वो जो सिक्रीशन निकालती है उसको कहते हैं बेटे पैनक्रिएटिक जूस, दिस इज कॉल्ड पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस कंप्लीट जूस है। देखो बच्चों, हमने पहले पढ़ा मुंह के अंदर किसकी डाइजेशन हो रही थी, जो मुंह के अंदर जब हम खाना रखते हैं बकल कैविटी में, तो यहां डाइजेशन किसकी हो रही थी, कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि यहां पे एक एंजाइम था ना टाइलिन सलाइवरी एमाइलेज। स्टमक में किसकी डाइजेशन हो रही है, प्रोटीन्स की।
अब यहां जब पहुंच गए हम स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां सारी चीजें डाइजेस्ट होंगी बेटा, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड गेट डाइजेस्टेड। कौन करता है ये? पेनक्रिएटिक जूस। इसलिए हम इस पेनक्रिएटिक जूस को क्या कहते हैं? कंप्लीट जूस। इट इज कॉल्ड कंप्लीट जूस बिकॉज इट डाइजेस्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। मींस ऑल कंपोनेंट मींस यहां पे प्रोटीन भी डाइजेस्ट होता है, यहां पे कार्बोहाइड्रेट्स भी, फैट्स भी, हर चीज डाइजेस्ट होती है बेटा। तो पेनक्रिएटिक जूस जो होता है बेटे, इसके अंदर सारे एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड थर्ड कार्बोहाइड्रेट्स, तीनों चीजों की डाइजेशन का जूस में एंजाइम्स मिलते हैं, तीनों को डाइजेस्ट करने के लिए मिलते हैं। अब इसके बाद आगे सेगमेंट में बेटा आपके लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन की एक चीज और रह गई है। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो पूरी चीज डाइजेस्ट हो जाएगी यहां पे, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, बाइल जूस आ रहा है, लेकिन इस स्मॉल इंटेस्टाइन की एक स्पेसिफिसिटी हो रहा है, यहां पे एक खासियत हो रहा है। अगर हम इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखें, जैसे यहां पे इस जगह पे, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन की जैसे अपन इतना टुकड़ा काट दिया बेटा, ये इतना टुकड़ा काट के हम बाहर लाके इसकी स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वो आपने एक सेगमेंट कट करके निकाल लिया। तो इस सेगमेंट के अंदर जब हम देखते हैं तो यहां पे हमारे को बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, फिंगर लाइक, ये ऐसे। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पे यहां पे फिर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं ऐसे, ये कहां देख रहे हो आप? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनको एक नाम देते हैं बेटा, इनका नाम है विलाई, विली बोलते हैं इनको। इससे क्या फायदा होता है? इससे एरिया बढ़ जाता है बेटा। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहां पे खाना जब तक यहां पहुंचेगा, डाइजेस्ट हो जाएगा यहां आके, डाइजेस्ट होने के बाद जैसे वो यहां है, ये देखो जो ब्लैक डॉट लगा रहा हूं मैं, ये आपका फूड है जो डाइजेस्ट हो चुका है। देखो ये अब ये डाइजेस्ट होने के बाद आप नोट करो, देखो बेटा यहां से इसके अंदर चला जाएगा। देखो ये किसके अंदर? इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर। और यहां अंदर क्या मिलता है इस जगह पे? इस जगह पे ब्लड होता है, ब्लड। तो आपका खाना कहां चला गया? ब्लड के अंदर। और ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है यहां पे? एब्जॉर्प्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों बातें होगी ना बेटा, डाइजेशन भी और एब्जॉर्प्शन भी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक खास ऑर्गन है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। किस लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। और यहां पे पेनक्रियाज और लीवर है जहां से जूस आता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। तो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा मेन ऑर्गन है जिसमें डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन होती है। देखो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीजें होंगी बेटा, डाइजेशन भी हो रहा है प्लस फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। मतलब एब्जॉर्प्शन का मतलब फूड ब्लड में भी जा रहा है यहां से, ये देखो यहां से ब्लड में जा रहा है। इतनी सॉरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बेटा इस ट्यूब के अंदर कि जल्दी जल्दी खाना हमारा ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है बेटे, तो आपने यहां पेज नंबर 22 पे, 22 पे, अच्छा एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी अभी कर लेते हैं साथ में। एक छोटा सा टॉपिक रहेगा बेटे लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद एक बड़ी ट्यूब आती है, हमने डायग्राम पहले बनाया था ना, ये देखो ये, ये
ये एसिडिक था, इसको क्या कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसका नाम लार्ज है क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है, डायमीटर कितना है अप्रोक्सीमेटली 9 सेंटीमीटर जितना इसका डायमीटर है। ये ऐसी ट्यूब है बेटा, ऐसे ही देखो बाहर अलग से बना लेते हैं, ये देखो यहां स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ती है उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन आगे, ये लार्ज इंटेस्टाइन आगे आकर के ऐसे, ये इसमें ये जो सेगमेंट होता है ये इसको कहते हैं कोलोन, ये कोलोन है बेटा, ये कोलोन है। तो इसका क्या पर्पज है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है बेटा 1.5 मीटर्स। जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया यहां पे क्या होगा, यहां पे कोई डाइजेशन नहीं होता, यहां पे जैसे आपका खाना आ गया, ये देखो ये आ गया, ये चलता जाएगा, फिर ये लास्ट में ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बेटा, इसमें आके ये खाना स्टोर हो जाएगा और फिर बाद में इसको यहां ये क्या है एनस, एनस से जो वेस्ट होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस लार्ज इंटेस्टाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे दोस्त रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स, कौन है वो फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स है बेटा बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो बैक्टीरिया यहां पे रहते हैं रेड रेड वाले, ये ना क्या करते हैं हमारे जो खाने से अब यहां पहुंच गया वो तो हमारा वेस्ट है, खाने में जो बचा हुआ सामान है ना उस पे ये डिपेंड करते हैं, उसको खाते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं विटामिन्स देंगे। और इस ट्यूब के अंदर यहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया रह रहे हैं बेटा, एक तो यहां से हमें विटामिन मिल गया, एक जो आपके खाने में पानी होता है ना वो पानी यहां से बॉडी उठा लेती है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, ठीक है बेटा। तो यहां तक आपने पेज नंबर 22 तक अंडरलाइन करना है, लर्न करना है। अच्छा कुछ बच्चों को समझ नहीं आया हुआ कि होमवर्क क्या करना है, तो आपने बेटे देखो जितना भी लेक्चर होता है वीडियो में जो आया है आपके पास, जो वीडियो में हमने लेक्चर किया है उसको आपने लेक्चर नोटबुक पे नोट कर लेना है देख देख करके, ठीक है। जब आप फेयर नोटबुक बनाएंगे उस फेयर नोटबुक में ये डायग्राम्स बनाने होते हैं, फेयर नोटबुक में एक तो आपने डायग्राम्स बनानी है, एक जितनी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस होती हैं इन लेक्चर, मतलब देखो वीडियो में जितना है वो सब किसमें नोट करोगे लेक्चर नोटबुक में, उसमें से डायग्राम्स आपने कहां बना देने हैं फेयर नोटबुक पे, प्लस कोई अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने डिस्कस किया है लेक्चर में वीडियो में और आपने लेक्चर नोटबुक पे नोट किया है और जो आपकी बुक में नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉट इन बुक, जो बुक में नहीं दे रखा और मैंने आपको बता दिया है तो वो आपने फेयर नोटबुक पे नोट कर लेना बस, ठीक है बेटा। इस तरह से आपने फेयर और लेक्चर नोटबुक को साथ साथ बनाते जाना है। जिन्होंने पहले लेक्चर नोटबुक नहीं बनाई वो बाद में बना लीजिएगा, अब क्लास के साथ साथ बनाते रहना, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।